मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर शुरू हो गया है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने से जबलपुर जिले में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। जबलपुर में कुछ ही देर की बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों, गली मोहल्लों से लेकर घरों तक बारिश का पानी भर गया। गढ़ा, शाहीनाका, गंगानगर सहित अन्य इलाके कुछ ही देर की बारिश में जलमग्न हो गए। पूरे मध्य प्रदेश में अब मानसूनी बारिश का दौर शुरू हो गया है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश के कई जिलों के साथ जबलपुर जिले में भी झमाझम बारिश हुई। जबलपुर में कुछ ही घंटे की बारिश ने जल प्लावन के हालात निर्मित कर दिए। कई इलाकों में सड़कों, गली मोहल्लों से लेकर लोगों के घरों तक बारिश का पानी भर गया। गंगानगर, गढ़ा और शाहीनाका जैसे इलाकों में जल प्लावन के हालात बन गए। सड़कें बारिश के पानी से भर गई। गली मोहल्लों में कई कई फुट तक बारिश का पानी भर गया, जो लोगों के घरों में भी घुस गया। बारिश से जहां आवागमन प्रभावित हुआ, तो वहीं जिन घरों में पानी घुस गया, वहां लोगों में हाहाकार मच गया। 1500 लेवर महापौर ने बढ़ाई हुई है, पर वो लेवर जो बढ़ाई है वो रोड पे सफाई करने नहीं आती, कचरा फेंकने नहीं आती, ना नाले साफ करने आती है। नाला गैंग के नाम पे आप कल नगर निगम का मस्टर चेक कर लीजिए, जो रोजाना 10 गैंग भेजते हैं हर वार्ड में, मगर वो मौके पे नहीं जाती, सिर्फ कागजों में जा रही है। भ्रष्टाचार हो रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। महापौर सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। आगे एक उन्हीं की जमीन पड़ी हुई है, जहां पर उनने बड़े बड़े पाइप डाल दिए गए हैं, जिसके कारण ये पानी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पानी उसी के कारण रुका हुआ है। नहीं तो अब तक ये पानी खाली हो चुका होता, क्योंकि बारिश आधा घंटे की हुई है। ऐसे यदि आज आधा घंटे की बारिश में ये हाल है, यदि 3-4 घंटे बारिश होगी तो सबके घर डूब जाएंगे ऐसे में। अरे ये पिछले 10 सालों से समस्या है और 10 सालों से ऐसे ही पोजीशन है। अब इतना सा बारिश है, बड़ी मुश्किल में तो बारिश हुई है, उस बारिश में भी ये हाल हो गए। हम आधे घंटे से खड़े हैं घर जाने के लिए, कार नहीं लेके, कार ले जा नहीं सकते हैं, इसमें कम से कम घुटने के ऊपर तक पानी है। ये समस्या ये बन गया तो घर पर प्रॉब्लम है, सबके घरों में पानी है, लोग कुछ ही ले आए होंगे यहाँ पे, बहुत बड़ी पोजीशन है। गंगानगर और शाहीनाका में खूब पानी भरा हुआ है और घुटना के ऊपर कमर तक पानी भरा है, लोगों के घरों में पानी भर गया है। बारिश के बीच प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह गढ़ा वार्ड की चंदन नगर कॉलोनी पहुंचे, जहां उन्होंने जल भराव वाले क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने नगर निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और जल भराव वाले क्षेत्रों में समस्या का स्थायी समाधान करने के निर्देश दिए। पानी निकासी के जो प्रबंध हो सकते हैं उसके प्रयास थोड़ी ही देर में जारी हो जाएंगे। इसीलिए जिस समय पर आचार संहिता चल रही थी, तब भी मैंने एक बैठक की थी और बैठक का उद्देश्य यही था कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद और बारिश के बीच में समय बहुत कम बचेगा, तब बहुत सारे काम हो नहीं पाएंगे और इसीलिए नालों की सफाई हो जाए, गहराई से सफाई हो जाए, जहाँ जहाँ पानी को लेकर, निकासी को लेकर अवरोध है वो हटा दिए जाएँ, इनको लेकर बैठक की थी। उसमें से काफ़ी कुछ काम हुए भी हैं, हम ये नहीं मान सकते कि काम नहीं हुए। नगर निगम ने सफाई के काम भी किए हैं, कोशिश भी अपनी तरफ से की है। यहाँ पर चूंकि कटोरे की स्थिति है, यहाँ पर लेवल काफ़ी नीचे है और उसके कारण चारों तरफ का पानी आके इकट्ठा होता है, लेकिन फिर भी निकासी के जो जो भी उपाय हो सकते हैं वो सारे किए जाएंगे। मैंने अधिकारियों से भी बातचीत की है, आज अभी से काम लगेगा, कल भी काम लगेगा, जहाँ जहाँ से पानी की निकासी हो सकती है वो कोशिश होगी। स्थायी निकासी के लिए, स्थायी समाधान के लिए थोड़ा समय लग सकता है, उसकी टेंडर की प्रक्रिया होगी, एक नाले से दूसरे नाले को जोड़ना होगा, लेकिन जो हो सकता है वो अभी करके जितनी राहत हो सकती है यहाँ के लोगों को वो देने का प्रयास जारी। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री ने स्थानीय नागरिकों से भी चर्चा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि फौरन लोगों को जल भराव की समस्या से राहत प्रदान की जाए।